कहल जला कि दुनिया में माया के तो सबकी आवश्यकता बाटे, लेकिन केहू की माया कम और केहू की ज्यादा नहीं करे के चाहिए। आदरणीय श्रोता, ये रात्रिकालीन प्रहर में कार्यक्रम प्यार के इतिहास में स्वागत बाटे हम आरजे टेक के, और इसने हमन के आवाज आज के दिन में रह के आपके रेडियो शेर तक पुगा के साथ देवत बाना हमन की प्राविधिक दोस्त सूरज छेत्री जी। हर एक मंगलवार के जैसन आज भी हमन के एगो नया गीत कथा वाचन करल जाए, जौन गीत कथा लिख के पढ़ेले बाना भारत गोरखपुर के हाल नवलप्रासी के अमानीगंज से शारदा अग्रवाल जी। शारदा जी के प्यार के इतिहास शुरू होत बा यहाँ से। हमार नाम शारदा अग्रवाल है टेक जी। हमार घर पहले भारत में रहे, भारत के गोरखपुर में, लेकिन हाल ई नवलप्रयासी के अमानीगंज में बस गिर बाड़े। कुछ दिन पहले हमारे गांव में ढेर जना प्यार के इतिहास सुनत रहना, लेकिन बाद में जब हम जानले कि कार्यक्रम प्यार के इतिहास में अपन बीतल दिन के वो याद वाचन होखेला, तो वही से हम भी पठैले कि हमार भी प्यार के इतिहास वाचन हो जाए। कहे सके हमार प्यार के इतिहास में कुछ ऐसा घटना घटल जौन कि आज के समाज में अक्सर देखे के मिले ला घटना। हमार परिवार में हम बड़े, हमार श्रीमान जी बाना और एक ठी बहनी बाटे और एक ठी बाबू बाटे, ऐसनी हमन के चार जना के परिवार बाटे। ये कहानी जब हमन के भारत में रहली जा तब भी पढ़ के हा, बहनी और बाबू बस एक दुई वर्ष के फर्क में जन्म ले रहना, वही से खासे अंतर ना रहे उन लोगों में। उन लोगों के नाम भी हमन के स्कूल में लिखा दे जा, लेकिन बाबू के नाम इस सोच के बोर्डिंग में लिखैली कि बाबू पढ़ी तो हमन के नाम रोशन करे, हमन के देखभाल करे और हमन के हर सुख दुख में साथ दे और हमन के बोझा उठाए, और बहनी के पराया धन समझ के ओके सरकारी स्कूल में नाम लिखा दिले। दोनों जन के पढ़ाई बहुत बढ़िया चलत रहे, कोनो प्रकार के टेंशन नहीं रहे। पढ़त गए ना दोनों जना, पढ़ते गले के बाद बहनी घर के सब काम करे लगल, भात पकाए और जितना घर के काम रहे साफ करत रहे। लेकिन बाबू रहे, बाबू के नाम रमेश रहे और बहनी के नाम रीता रहे। रमेश पढ़ाई और आजत घूमे चल जा, अपन संगरिया साथी घूमे एक ही बेर संझा का आवत रहे, ऐसा काहे घूमत बाड़े कहल जा बाबू के तब बात नहीं मानत रहे। और नहीं तो रमेश चढ़ बढ़ के बोलत रहे, फिर भी एक ही ठू बेटा रहे, ज्यादा बोले भी मना करत रहे। ऐसने टेक जी समय चलत गल और रमेश भी बड्डे हो गए है, लेकिन ओकर बानी बेहोरा थोड़े खराब हो जात रहे। अक्सर घरे हमें रहत रहले, रमेश के बुआ काम में चल जात रहना, संझा के आवत रहना, थकल रहत रहना और सुत जात रहना। दिन भर रमेश कोनो काम करे ओके हमें बोलत रहले, लेकिन
रमेश हमार बात के दाब देते रहे, कोनो बात के नहीं माने और अपन वाली करते जाते रहे। ऐसे टेक जी रमेश और बहनी रीता दोनों जना पढ़त पढ़त 12 कक्षा में चल गए ना। रमेश के बोर्डिंग से 5 ले पढ़े ले, ओकर बाद 6, 7, 8, 9, 10 कक्षा लोग के सरकारी पढ़े ले और 11 नाम लिखा दे ले पढ़े लगल। रीता और रमेश दोनों जना साथे पढ़त रहना, एक ही क्लासमेट रहना, लेकिन रीता के तनिको खबर नहीं भइल कि रमेश के दिल में केहू बा कह के। ये बात की खबर रीता के नहीं चलल। रमेश कौन घंटी खाली रहे तो स्कूल में नहीं रहा, चल जा अपन संगरे साथे घूमे, लेकिन रीता मन लगा के पढ़त रहना। पढ़ते गले के बाद रमेश 12 कक्षा में गले के बाद रमेश वह बढ़े कक्षा में एगो छौकी के मन पड़े ना। हाँ टेक जी, एगो छौकी के मन पड़े ना और लोगों के माया प्रेम वही स्कूल में बढ़े लगल। एक दूसरे के दिल में उन लोगों की गहरा संबंध हो गए। बहुत बढ़िया से जिंदगी जियत रहना, स्कूल लाइफ लोगों के एगो प्रेम लाइफ बन गए टेक जी। लेकिन ये बात की तनिको भी खबर हमन के रीता बहनी के नहीं रहे। जिंदगी चलते गले के बाद उन लोगों के 12 के परीक्षा नज़दीक आ गए। 12 के एग्जाम देना रीता बहनी बढ़िया नंबर लान के पास हो गए, लेकिन रमेश फेल हो गए ना। रमेश के बुआ रमेश के बहुत डटना कि आखिर तू का करे स्कूल में, कैसे पास नहीं भले, और हमके डांटे लगना कि देख सावित्री घरे तो तू रहत पड़े, रमेश का करत बटे, पढ़ता कि घूमता कि होमवर्क करता कि नहीं करत बटे, ये कुल जिम्मेवारी तोर हो, लेकिन तोर ध्यान कहाँ रहे, कैसे ही फेल हो गए। और ठीक से रमेश के बुआ हमके बहुत बोलना, लेकिन रमेश के सब कहानी हमके मालूम रहे। जब जब हम उनके सही बात कहें उनकी बुरा लागत रहे, उनके जब जब हम डांटी वो हमार बात नहीं मान रहना, उल्टे हमें के डांट देते रहना। एक कुल बात सोच के रमेश के बुआ के कुछ ना बोल के चुपा गए हम। और रमेश के बुआ रमेश के बहुत डांटना कि रमेश तू का के ले, इतना मेहनत कही कि हम तुके पढ़ात रह ले, देख रीता बहनी केना बढ़िया नंबर से पास भेल और तू फेल हो गए ले, का करे ले स्कूल में। और ठीक से रीता बहनी से पूछना, बोल बहनी रमेश का करे ले स्कूल में, कैसे फेल हो गए। और ठीक से बहनी दाजू के बुआ कुछ कहे ना, एकर नाते से बहनी कुछ नहीं बतैलक। बहनी कहलक, देख बुआ हम तो पढ़त रहले, कबो कबो दाजू अपन संगरिया साथे भरे जात रहना, लेकिन हमार पढ़ाई डिस्टर्ब न होके कह के दाजू के हम कहाँ जात बना का करत बना ये कुल ख्याल नहीं करत रहले, बस अपन पढ़ाई में ध्यान देत रहले। और ठीक से इन्ना बात सुनते भर में रमेश के बुआ चुपा गए ना और मायूस होके एक किनारे अकेले बैठ गए ना। और ठीक से रमेश के मुँह शर्म से झुक गए कि काश पढ़े रहते, लेकिन फिर भी रमेश खुश रहना, काहे कि उनकर जिंदगी में केहू आ गए रहा, जे उनकर जिंदगी में आए रहा उनकर नाम मन माया रहे टेक जी। मन माया की रमेश बहुत माया करते रहना, दोनों जना के माया बहुत आगे बढ़ गए रहे। और इसने एक दिन हम घरे बैठल रहा रमेश ऐना कहना आमा एक ठी बात कहे रहे, और हम कहले हाँ कहना, और रमेश कहना देख आमा नाई ना कहिए, और हम कहले हाँ बोल। और ठीक से रमेश कहना आमा देख जब हम 12 पढ़त रहले वो टाइम पर एगो हम छौकी मन पड़े रहली आमा, और हम कहले ओ वही से तबियत कहीं तुर पढ़ाई बिगड़ल कैसे, लेकिन तू तो माया प्रेम में पढ़ के अपन पढ़ाई बिगड़ा दे ना। और ठीक जी रमेश कहना देख आमा वैसन बात नहीं बटे, और हम कहले हाँ हाँ हम बुझत हैं वैसन बात नहीं बटे, तोर पढ़ाई बिगड़ने के कारण ही हुआ कि तू प्रेम में पड़ गए ले और अपन पढ़ाई के ख्याल भी नहीं कह लेना। रमेश तू काहे ऐसा कह ले, का तू के पढ़ लेले के बाद माया प्रेम करे नहीं बनत, बोल ना रमेश काहे तू ऐसा कह ले। और ठीक जी रमेश कहना देख हमा माया प्रेम केहू का गौर के नहीं करल जला, माया प्रेम ओकर जब समय आयला ना ऑटोमेटिक हो जला, हम कैसे अगोरती ना हमार मन मानत रहे ना उनकर मन मानत रहे, वही से हमा अगोरे वाली कोनो सिचुएशन ही नहीं रहे, हम का करते उनके हम छोड़े भी नहीं सकते, कांच के दिल से माया करते रहले, और उस टाइम पर अपन पढ़ाई के देख के उनके हम छोड़ देते तो हम उनके नहीं पैते आमा, हो सकेला उनके क्यों दूसरे कोनो माया कह ले तो हमार पढ़ के कौन अर्थ लागत जब हम अपन जीवन साथी नहीं पैते। और हम कहले देख रमेश पढ़ाई बहुत जरूरी बाटे, अगर तू पढ़ले रहते तो वैसे वैसे कैठ मिली तू नहीं पढ़ले बाड़े, अगर जो भविष्य में उनसे ब्याह कह के घर बसैले नौकरी उकरी नहीं रहे ना तू तो के छोड़ दी है, कांच के देख बाओ दुनिया में केहू भी बाटे कुछ देख के ही आवला, तोर पास का बा देखे वाला बोल ना का बा देखे के 12 के फेल सर्टिफिकेट कि तोर घूमे वाला बानी है। और ठीक से इतना कहते भर में रमेश के मुँह झुक गए और मने मने रमेश अरिसिया चल गए ना। और ठीक से उनके दिन प्रतिदिन मन माया की याद सताए लगल, और एक दिन मन माया की भेंट गए ना। मन माया की भेंट गले के बाद उनसे कहना कि देखा मन माया आज के बाद
हमन नहीं मिलल से मन माया के मन में दुख लग गए कि रमेश काहे नहीं मिलल से हमन के कि हमके छोड़ देत बाड़ा अब। और टैक्सी रमेश खाना पक लिए तो कि कैसे छोड़ सकेले। और रमेश खाना मन माया ठो बात कही और मन माया कहना हाँ कहा ना। और रमेश खाना का तू हमसे ब्याह करवा इना बात सुनते भर में मन माया मन में सोसा गए ना और चुपैदे रह गए ना। रमेश फिर से पूछना बोला ना मन माया का तू हमसे ब्याह करबा। और ठीक छी मन माया कहना तनी सबर करा एक बेर घर में पूछे पड़ल अगर मान जी तो ठीक है बाटे नहीं मनिए तब अपन वाले करल जाए। और ठीक छी मन माया घर में अपन बात कहना उनका आमा बुआ खासे उनका केयर नहीं कहना पहले से भी मन माया अपन घर में अपन परिवार से पीड़ित रहना कहाँ से कि उन लोगों तीन बहन रहना मनमाया माछित रहना एक नाते मनमाया के उन्हें मान सम्मान नहीं रहे घर में। और मनमाया अपन परिवार के त्याग कई के रमेश से मंदिर में ब्याह कहना रमेश मंदिर में ब्याह कहने के बाद मनमाया के घर ले गए ना। घर लेते भर में टोला के तमाम जना जुट गए ना कि रमेश कहाँ इतना जल्दबाजी में ब्याह कह लालक का बात हो सकेला। और ठीक छे घरे दुल्हन के चौड़ा में और दुल्हा के चौड़ा में रमेश और मन माया के देख के हमारा आँख खड़ा के खड़ा रह गए कि हम कहे हम ये रियल में देखत पड़े कि एगो सिर्फ नाटक है। टोला के आदमी के देख के परेशान हो गए हम अनेकों प्रकार के हमसे सवाल करे लगना कि सावित्री का है ये कैसन बिया है। और ठीक से हर सवाल के जवाब हमारे पास नहीं रहे और हम बेचैन हो गए कि एक बुआ समझा कहीं का कही हम कि का पाठ पढ़े बाड़े अपन बेटा के हम का जवाब दे उनके। और हम पूछली रमेश तू का के ले। और ठीक जी रमेश हमार जवाब न दे के दोनों जना आशीर्वाद ले है ना फिर भी बेटा भले के नाते आशीर्वाद तो दे ले और घर में भीतर ले। और रमेश के एक किनारे बुला के पूछे लगले रमेश का है काहे तू ऐसा कैले का तुर ब्याह करे खा मन के औकात नहीं बैठे कि तू नाव हंसावत बड़े का है ये। और ठीक जी छुपाल छुपाल रमेश कहना आमा देख हमन के माया ज्यादा हो गई हल हमन के एक दूसरे के गौरे नहीं सक लीजा ऐसे जल्दबाजी में हमन के मंदिर में ब्याह कर ले लीजा। और हम कहे लेकिन रमेश तू एक बेर तो पूछल रहते हमन से हमन के मन में क्या पूछे जो कर रहे तू के लेकिन तू अब हम का कहें रमेश तू का के ले तोर बुआ हम का कहब का कहें तोर बुआ और गाँव के मन का कहें तोर बुआ के कि ब्याह के पैसा बचाए के खातिर अपन लड़का मंदिर में ब्याह करा धलक का कही समाज। और रमेश कहना देख हमा समाज के परवाह ना कर तू उतने बादों में समाज के खिया सक जे लेकिन देख हमा तत्काल अगर जो हम नहीं ब्याह करते तो समस्या आ जात। और ठीक जी हम कोनो बतिया कहें लेकिन रमेश ओकर सही जवाब नहीं देत रहना। और वहाँ टोला के मन इनकी भीड़ देख के हम भले ठीक बार रमेश भीतर चल और भीतर ले जाके चुपा गए हम और संझा के कर बुआ आई ना तब वो दो चार मन ही हमारे घरे बैठले रहना। और रमेश की बुआ कहना सावित्री कैसे मनाए। और ठीक जी हम बोले नहीं सकत रहे कि हम का कहें कैसे कहें कि तुहार रमेश ब्याह कर ललक। और ठीक जी कहा घरों में हमें पता चल जाए। और ठीक जी रमेश के बुआ घर में आई ना तो रमेश से भेंट ना हो के रमेश की श्रीमती जी रहना मन माया सीधे आके गोड़ देना ओकर बुआ के और हाथ उठा के आशीर्वाद तो दे देना लेकिन हमसे पूछना कि किए है। और हम खाली घर के लक्ष्मी और ओकर बुआ कहना घर के लक्ष्मी तू ही का कहत बाड़े। और ठीक जी हम खाली और रमेश बैठल में पूछ ला वैसे। और ठीक जी एक बुआ रमेश से सब बात पूछना और रमेश अपन सब समस्या बता देना। और अगर बुआ तनिया चिंता में पड़ गए ना कि का कैलक रमेश ऐसे टेक जी जिंदगी चलत गए उनकर बुआ भी वो सब गम के भुला देना कि जौन फैल तौन भैल ठीक ही होला लेकिन यह रमन के जिंदगी कुछ अलग मोड़ ले रहलक। यह रमेश ज़्यादा पढ़ल लिखल नहीं रहना और मनमाया भी सिर्फ 12 पढ़ल रहना उनके तो घर से ही फुर्सत नहीं रहे। और रमेश काम करे देख रमेश तो क्या अब काम करे के पड़े ऐसा घर बैठले से नहीं हो पाए कहे से कि तुर जिम्मेवारी बढ़ गई बैठे घर देखे के और तुर जिंदगी तुर साथे बाना कौनो सामान घटित उनके देहे के हर एक प्रकार की जिम्मेवारी बढ़ गई बा तो की कुल के बारे में सोचे के चाहे। और ठीक से रमेश कहना बोल ना हम कथी करें हमके कुछ समझ में नहीं आवत बैठे। और हम कहा ब्याह करे के समझ में आ गए लेकिन ब्याह कैले के बाद हमार जिम्मेवारी का हो नहीं समझ में आवता काश ब्याह भले से पहले ऐसे हमसे पूछ रहे थे कि आमा हमारे ऐसी समस्या बाटे हम का करें तो जरूर कोनो रास्ता लगकर रहत लेकिन तू अपर झट में ऐसा कह दिले कि हम का कहें। रमेश कहना देख हमारा जौन भल तौन भैल छोड़ू बात के
अब हमके पता हम कहाँ करे और हम खा ले। देख रमेश तो के काम करे से है, तू कहीं बढ़िया काम खोज और बढ़िया काम कर। और ठीक से रमेश अपन संघरिया साथे लगना एयर भर काम खोजे और गोरखपुर से बम्बई जाए के लिए राजी हो गए ना कि हम बम्बई काम करे जाम। उनकर कुछ संघरिया लोगन भी बम्बई काम करे जात रहना, एकर नाते रमेश भी राजी हो गए ना और कहना देख हामा हम बम्बई काम करे जाम वही काम करब। और ठीक से ये बात अपन श्रीमती को बतेना मनमाया के। मनमाया कहना देखा मनमाया माया के लिए ठीक है भैल, सात पहली तुहार बहुत ठीक भैल, लेकिन इस सात के आगे बढ़ाए के लिए सबसे बड़ा पैसा होला और पैसा कमाए के लिए कुछ पल की दूरी सहक पड़े। मनमाया कहना का कहत पड़ा तो। और रमेश कहना हाँ हम सोच ले बाड़े बम्बई जाब वहाँ पैसा कमाए और तुहार हर इच्छा और परिवार के दुख सब ठगाए। और टैक्सी इन्हें बात सुन के मनमाया दुखी हो गए ना और कहना ती का कहत पड़ा हम कैसे तुहार बिना रह बताओ ना अभी कितना महीना भैल भी आ भैले थबले तू काम करब कह तोड़ा। और रमेश कहना देख कितना दिन घरे रह हम समाज भी उल्टा सोचे कि ब्याह कई भैल तब वो काम नहीं करता हमको तनि भद्दगी लागत आया यदि तुहार कौन सामान घट जा हमको पूरा करे ना सके तो हमके अफसोस होए कि हम कैसे मने बाड़ी कि अपन श्रीमती की इच्छा पूरा करे नहीं सकत बड़े। और ठीक से मनमाया खाना इतना जल्दी काहे बाटे कैले में तो गया। और रमेश खाना का करें मनमाया का करें जिंदगी वैसे पटले बाटे जितने ढेर दिन रुकब उतने तुहार प्रति माया बढ़त जाए और हमार काम में मन नहीं लगे एकर नाते हमके जाएगा। और ठीक से मनमाया कहना तो बम्बई जाके हमके विसर्जन आए जीवन भूला फसाना कोई गुजरा जमाना कोई साथी पुराना कोई बन के बहाना कोई अगर दिल में यो समा जाए तो ये दिल क्या करे ये दिल क्या करे। जादू सा छाने लगा पागल बनाने लगा कुछ याद आने लगा कुछ भूल जाने लगा क्या ना करे क्या करे ये दिल क्या करे ये दिल क्या करे। इस पार रह ना सके उस पार जा ना सके खामोश रह ना सके जो चाहे कह ना सके ये पागल समां ये मौसम जहां ये दिल क्या करे ये दिल क्या करे। जादू सा छाने कैसी बिसर सके लिए हम तो हमारी जिंदगी होला तो कि बिसरे रहत तो हम स्कूल में ही बिसर गए रहती है लेकिन अपन परिवार की भी वास्ता ना कह के तो कि दिल में बसे ले बिसरे खरते ना बसे ले भागल कहीं के ऐसा बात कब ना कहिया। और ठीक से रमेश के जन दिन बम्बई जाए रहे उस दिन रमेश हमसे इन आशीर्वाद थे हम कल देख पाओ जौन इज्जत से मन माया के यहाँ ले ले बाड़ा वो इज्जत में कमी हो ना दिया उनकर हर एक इच्छा पूरा करिया जानत बड़ा तो हर ब्याह के टाइम हम काहे बोलत रही कि हमार रमेश अपन काम करे लायक ना भेल बाटे कैसे जिंदगी पाले अपन पेट पाली नहीं पावत बाटे दुगो पेट कैसे पाले
लेकिन आज लागत बा कि रमेश कुछ करे। आज खुशी बाड़े हम, एकदम खुशी खुशी जातो और अपन काम में मन लगावा और अपन परिवार के, अपन श्रीमती के ख्याल करा। अठेक जी, रमेश का आशीर्वाद देके वहाँ से पठा दिले। रमेश मनमाया लग गई ना, मनमाया देख के उनके रोए लग ना कि रमेश एक हफ्ता रुक जाना प्लीज। और रमेश का ना पकले, एक हफ्ता खत खत कई हफ्ता हो गया हमार, अब कितना रुकी है, तो नाराज ना हो खाना। अटेक जी मन माया खाना, रमेश हम तो की बहुत माया करे रही, तुहार बिना में एक पल नहीं रह पाए, तू तो कहूँ रहला हम तुहार रास्ता निहारे लिए कि कब आई है, तो के फोन करे लिए जल्दी आवा, और जब तू फोन ना रिसीव करेला ना मैसेज में करी आए लिए कि कहाँ बिजी बाना नहीं आवत बना, ये तो तुहके मालूम बटे, लेकिन वहाँ से तू कब आई बाई तो आस मर्जे ना हमार। और रमेश का ना पकड़े, बात तो हो ना आस ना न मरिया, एक ना एक दिन तैबे करब, हम यूँ जब यूँ चलाए, बस कुछ दिन के फासला बाटे, जरा मन की जिंदगी में थोड़ी सी समस्या दे। और मन माया कहना, रमेश जानत बड़ा ना तुहार बिना हमार एक पल मन नहीं लागेला, और तू बम्बई चल जेब तो हम कैसे रहब, कैसे रह बताओ ना। और रमेश कहना पकड़े, जैसे तू तो स्कूल में से घरे जाके रहत रहला ना वैसे रहिया, लेकिन हमके ना रोका, कहाँ के तुहार रोक लेने से समस्या और आ जाए और समस्या बढ़ जाए, साथ रह के का करल जाए, जब अपन खुद की इच्छा पूरा करे ना सकल जे, खुद जी ना सकल जे बढ़िया से, बताओ ना। देखा मन माया, केहू जान बुझ के नहाई जला, एगो बाध्यता खींच के ले जला के, देखा कितना विदेश जाना ने, तीन तीन चार चार वर्ष रह जाना, वो कुल इनकी जिंदगी में कहा बीतत होए, वो कुल भी खुशी खुशी नहीं जाना ना, घर के समस्या बुझ के जाना कि हमारा परिवार हम कमाए तो खुशी रहे, हमारे परिवार में कोनो प्रकार के समस्या नहीं आए, हमारे ऋण भरा जाए, कोठा के घर हो जाए, बहुत सपना सजा के जाना, वो सब भी तो राहत बना ना। और ठीक से ऐसी से बात कह के मन माया के रमेश मना लेना, और वहाँ से उनसे भेंट कह के रमेश चल देना बम्बई। रमेश गोरखपुर ट्रेन से मुंबई चल गए ना, और यार मन माया घर के काम में बिजी हो गए ना, कब फोन आए तो उठावत रहना, बोलत बतियावत रहना, कब हम बोलत बतियावत रह ले, ऐसने जिंदगी चलत रहे। लेकिन रमेश जब बम्बई पुगना तो वहाँ काम करते रहना, काम करते गए के बाद इनकर प्रमोशन भी हो गए है काम में, बढ़िया इनकर काम हो गए है, इनकर अनुभव के सम्मान कह के वहाँ के जौन मालिक माना उनके काम के घटा दे रहना, लेकिन पैसा के बढ़ा दे रहना, उच्च पद में रख दे रहना रमेश के। ये बात सुन के हम बड़ी खुशी रह ले, और मन माया भी बड़ी खुशी रहना, कितना बढ़िया से कमात पाना, घर में भी पैसा पठावत रहना। लेकिन एक समय की बात हो, जन मालिक की कंपनी में काम करते रहना, वही मालिक की बेटी भी वही कंपनी में काम करते रहना, और ठीक से वो मालिक की बेटी कैसे कैसे रमेश के माया जाल में पड़ गए ना, और रमेश भी उनकर माया जाल में पूरा झुरा गए ना। और रमेश भी ये बात के महसूस हो गए कि अगर हम उनकर माया जाल में नहीं पड़ब तो कंपनी से हमके निकाल दिए वो, और हम अलपत्र में पड़ जाब, एकर नाते कंपनी में काम पाए के लिए हम उनकर माया जाल में असुरा जाए कह के रमेश उनकर माया जाल में पूरा असुरा गए ना। और वो लोगों की माया बहुत बढ़न मोड़ ले लग, बहुत आगे बढ़ल माया वो लोगों के, एक दूसरे के दिल में खूब माया हो गए। ऐसे ठीक जी उनकर नाम सालू रहे, सालों के प्यार में रमेश इतना अंधा हो गए ना कि अपन परिवार के धीरे धीरे बिसरे लगना, कि हमार परिवार भी बैठे हमार जिंदगी भी आ, ये बात के बिसरे लगना। और जहाँ हफ्ता में तीन दिन फोन आवत रहा तहाँ हफ्ता में एक दिन याद आगा, ऐसे करते करते धीरे धीरे फोन भी आयल बंद हो गए। और यार घरे और मन माया बहुत परेशान हो जाते रहना कि का होता हमारे साथ है, कहे हमके फोन नहीं कर पाना, कहीं कहीं उनका मन तो बदल नहीं गए। लेकिन फिर सोचा ऐसा कब नहीं हो सकेला, रमेश हमके बहुत माया करे ना, अगर मन बदले तो वैसे ना करिए, कौन समस्या आई तो हमसे बताता, लेकिन काहे नहीं बता पाना कि मोबाइल के पहुंच में नहीं पाना, का समस्या हो सकेला। ऐसे सोच सोच के यार बहुत रोत रहना। और उहर रमेश उनकर प्यार में अंधा हो गए ना, उनकर घर परिवार के साथ में जुड़ के रह लगना। और यार मन माया एकदम परेशान हैरान, मन माया के दुख हमसे ना देखल जात रहे टेक से, हाँ टेक जी हमसे ना देखल जात रहे, रमेश के आमा भले के नाते मन माया के दुख हमार दुखनिया लागत रहे। और यार मन माया के दिन करते गले के बाद मन माया घर व्यवस्था में पुगे ना, ये बात से खुशी भाई ना कि ये परिवार में कोनो बारिश आए वाला बाटे, लेकिन ये बात से दुखी रहना कि खुशी की खबर हम कैसे पुगाएं कि रमेश क्या मन की ठू बारिश आए वाला बाटे, अभी दो के बीच में एक और आए वाला पाना, कैसे पुगाएं हम कैसे पुगाएं। मन माया रोत रोत कबो कबो हमसे कहा कि आमा हम बम्बई जाब, उनके अपन दिल की खबर वही सुनाए। और ठीक से हम उनकर बात के टाल देते रहिए, कहीं देख तू बम्बई जेबे कहाँ जेबे तू बम्बई का करबे जाके, केहू न देख ले न सुन ले, कहाँ जेबे तू, ये तो भारी देह बाड़े, बम्बई जेबे तू ऐसा कुछ ना कर, अगर तोर मन में
शंका बाटे कि कहीं उनकर मन बदल गेल बा। एक काम कर तू, कृष्णाष्टमी आवत बाटे, वार्त कर के जन हो सकेला कि उनकर मन बदल जा। अगर जो वैसन होई तब और नहीं होई ती बात से ठुक कह जा कि रमेश जरूर आई। और ठीक छे, कृष्णाष्टमी आयल, कृष्णाष्टमी के दिने मन माया पिन खाई दे निराचल दिन भर पर्त गई ना। और समझा के हमार साथे कृष्ण भगवान के मंदिर गए ना, और साथे रमेश के बुआ भी गए ना। तीनों जना के आँख भरल लाल मंदिर में पुगले जा मन माया पूजा पाठ कई के। भगवान जी हमारे पति की रक्षा करिया तू, कौनो भी हमारे पति की टेंशन ना हो, कौनो मुसीबत में ना जुड़ा जा। हमके बहुत चिंता होत बाटे कि हमारे रमेश कौन हालत में हुए, हमके समझत हुए कि नहीं। भगवान जी बहुत विश्वास कई कायल बड़े हम, हमारे पति की रक्षा करिया और कहूँ हुए हैं सही सलामत रख ले रहिया। और हमार गर्भ में जौन ये परिवार के बारिश बाटे ओह के रक्षा करिया। कई दिन हो गए उनकर फोन नहीं आये, कई दिन हो गए आँख उनके देखे के तरसता, कान उनकर आवाज़ सुने के तरसता। भगवान जी कौन चमत्कार जरूर करा करा, भगवान जी चमत्कार करा कि हमार रमेश हमार घरे आ जा। हाँ भगवान जी चमत्कार करा, हमार रमेश के हमसे मिला था प्रभु, मिला था मिला था। ठीक छी,
ऊपर वाला दिन बीत गए, फिर भी मन माया के मन बहुत बेचैन रहे और उहर बम्बई में बुझा रमेश के अचानक मन में का हो गए और रमेश के घर परिवार की याद सताए लगल। उनकर मन कहे लगल कि अब हमके घरे जाए के चाहें, हमार परिवार बाटे, हमें कहाँ भुला के लिए पैसा के चक्कर में आके हमें कहाँ कही बैठले, ऐसा हमके ना करे के चाहें। हमार मन माया कैसे हुई है एक बार फोन करें। और ठीक से उनकर मोबाइल से घर परिवार के सब नंबर डिलीट हो गए। रमेश और बेचैन हो गए ना कि हम का करें, अब का करें। और ठीक से एक दिन सालू के बोले ना मालिक की बेटी के और एकांत में बोला के लखना समझाए, कहना देखा सालू तू बड़ा घर के बड़ा, हम एक गरीब परिवार के हैं, बम्बई अली हम तो सिर्फ काम करे के उद्देश्य से, हमार परिवार बाटे, हमार श्रीमती आठो अमा बुआ बाना, हम कुछ आस लेके आए बड़ी हैं, कमा के घरे जाब और अपन घर परिवार के पेट पालब, एक मारे बम्बई आए बड़े। लेकिन अचानक अनजाने में जो हमसे गलती हो गए एकर दिए हम शर्मिंदा बड़े, सालू प्लीज हमके माफ कर दा। और ठीक से सालू कहना रमेश तू का कहत रहा, हम तुमके माया के रही कोनो खिलवाड़ नहीं के लिए बड़े, और माया में कैसन शर्मिंदगी है हम ये कुछ नहीं पूछा थे। और रमेश कहना देखा सालो माया प्रेम तो एक माया प्रेम होला जी, जिंदगी में एक आदमी से एक बार करल जला और हमार हो गल बा, बीच में तू हमारे पास से ढेर पड़ गई, जानत पड़ा तुम्हारे पास हम कहे पड़ते, काश के हमके हमार नौकरी डर रहे कि अगर जो तुम्हारे पास न पड़ी तुम्हार बात के इनकार कर दें, हो सकेला कि तू हमसे नाराज होके हमके नौकरी में से निकाल दा, यही बात की फायदा उठा के हम तुम्हारे साथ प्रेम के ढोंग कर ले। लेकिन हमारे जिंदगी में क्यों बा, हाँ सालो हमार प्यार बा हमारे जिंदगी में और फिर बिना हम नहीं सी पाई, बहुत माया करे अपन परिवार के, हमके हमारे परिवार बख्श दा, छोड़ दा हमारे पीछा। इस इश्क में क्या क्या होता है आशिक जाने या रब जाने, इस बार न जाने क्या होगा, पहले भी हुए थे दीवाने, पीछा छोड़ाए के रहते कहे हमारे पास ही रहते, कहे हमसे प्यार की ढोंग खेला तू, हम तो हर खिलवाड़ हैं, हाँ हम तो हर खिलवाड़ हैं, कहे हमसे प्यार के नाटक खेला तू, कहा समझे ला हमके, कहे तू ऐसा खेला तो के माया नहीं रहा, पहले ही कहे चुका रहे कि हमके माया नहीं बाटे, हम अपना रास्ता चल देते, लेकिन तू कहे ऐसा खेला, कहा समझे ला तू हमके। और हम खाली देखा सालो हम तो के बस देखो मलकिन की नज़र से देखे ले और कुछ नहीं, सालो हमारे बात के समझा तो क्यों हमारा रास्ता निहारत बा,
अगर हम नहीं जाब तो हमार पूरा परिवार टूट जाए, बिखर के रह जाए हमार परिवार। और हमार श्रीमती का हालत हुए का हो उनका, ये बात के बोझा सालू तू तो। प्लीज समझा हमार बात के। और ठीक से सालू ऋषि आगे ना कहना हम और कुछ नहीं जानत बड़े, बस तो हमके माया करेला बस इतने था बाटे। और तुहके हमसे कौन छीने कोशिश करी तो ओकर अंजाम बहुत बुरा होए। हम कहली सालू तू ऐसा कुछ नहीं करबा जेकर वजह से हमार गुस्सा बढ़ जाए। सालू खाना का करबा तू हमके, का करबा तू, हम तुहके चाहब कुछ भी करा सके लिए, तू का बिगड़बा हमार का बिगड़बा। एक गरीब एक नाला के खीरा हमार का बिगड़ पाए, केना चाहे पैसा तुहके बतावा केना चाहे। तू जिंदा मंगवा पैसा हम ना देव, लेकिन हमसे अलग ना हो खा। और जब श्रीमती श्रीमती लगैले वाला बतावा उनके छोड़े देख के ना पैसा चाहे तुहके, केना पैसा चाहे बतावा हमके। आइंदा हमार श्रीमती के पैसा से तुलना ना करिया, माया से तुलना करने वाले उनके हम, पैसा के मायने हम ना रखे ले। अगर ये जिंदगी बात है उनकर वजह से और कुछ भी नहीं रहा तो अपन दुनिया में हम जात हैं छोड़ के ये सब जात हैं। और एक बात और, भूल के भी हमके याद ना करिया, कहे सके तो हम कबो माया नहीं करे वाले, हमारे दिन में क्यों और बाटी। और एक बात और, जिंदगी में कबो की हो से जबरदस्ती माया पाए की कोशिश ना करिया, कहे सके माया दिल से कल जला जबरदस्ती ना है। माया पाए के लिए दूसरे के दिल में घर कल जरूरी होला, और तू दूसरे दिल में घर नहीं करे वाला, बस बीस भर दे वाला ओकर दिल में, बुझला। अब हम साथ हैं, गलती सही हमके माफ करिया, बाय। कभी बनती बात बिगाड़े, कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी बनती बात बिगाड़े, कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी भर दे झोले खाली, रहमत ऐसी बरसाए, कभी हाथों से ले जाए वो जो सबसे अजीज है। ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है। और इसने टेक जी शायद उन सब बात कहने के बाद रमेश की बात शीला के समझ में आ गई, और शीला मन में ही रो के चुपा गई ना, और रमेश के ना रोकना। और यार रमेश फिर अपन घर में चला ना, और हमन के परिवार फिर से एकदम हंसी खुशी हो गए, और जिंदगी एकदम बढ़िया चले लगल। और इसे टेक जी समय चलते गले के बाद घर में हमन की एक ठो बारिश भी आ गई ना, जेकर नाम प्रिंस रख लीजा। हाँ टेक जी, प्रिंस नाम रख लीजा उनकर, बड़ी बढ़िया के रूप रहल उनकर एकदम रमेश के जैसन, ऐसा लगे कि रमेश के बचपन लौट के आ गए बाटे। और ऊपर बड़ी खुशी से हमन की बिताए रख लीजा। कुछ दिन के बाद मन माया रमेश के मन में कुछ कुछ भरे लगना। मन माया कहे लगना, रमेश देखा तुहके जौन वहां जाके दुख भयल और जौन हमके पीड़ा सहे के पड़ल, वो बस तोहर परिवार के वजह सहे के पड़ल, न तोहर परिवार वहां तुहके भेजले रहत नहीं न बताइल रहत। और ठीक छे रमेश के मन में उल्टा पुल्टा बात भर के रमेश के अलगे आए के लिए बात है पार देना। और रमेश हमन से अलग आ गई ना, रमेश अलग गेले के बाद ये बात के बहुत दुख लागल हमन के, कि जेकर खातिर इतना कुछ कह दीजा जे कि अपन जिंदगी के सहारा बने दीजा, हंस हुए खुद ही परिवार से बेदखल के धलक हमन के, और हमन के दुख भोगे की बात हो गई जा टेक जी। अब हमन के ऐसा लागेला जिंदगी में कौनो बारिश नहीं बना, बेटा भैल भी एगो बोझ बराबर हो गया लाल। जन सोच के रमेश कितना हमन के पढ़े जा, उनकी माया ममता कैली जा, वो सोच हमन के पूरा नहीं भैल। आज भी हमन के बूढ़ी बूढ़ा दुए मिला पाड़े जा, खेत बाटी अधिया लगा के दे दल चला। और रमेश
और अपन मनमाया के बात में भटकत बने हर हर। लेकिन हमर के कौन अवस्था में बाड़े जा, दिन कैसे बीतता, जियत बाड़ी जा कि मरत बाड़ी जा, कुछ रमेश के मालूम नहीं बाटिए। रमेश बस अपन दुनिया में बिजी बना। हाँ टेक जी, अपन दुनिया में बिजी बना और यार हमन के जिंदगी चलत बाटिए। और इसे टेक जी शारदा जी आगे लिख ले बाना ये गीती कथा। हम जब हमन के रमेश के अले के बाद परिवार में खुशी लौट के आये, तब ये गीती कथा हम उनसे पूछ के लिख ली कि तुहार जिंदगी में का का भैल। लेकिन हमके का मालूम रहे कि जिंदगी फिर एठो मोड़ ले, और जब जिंदगी मोड़ लेलक हमन से रमेश अलगी आ गए ना, तब बाकी के कथा लिख के हमें प्यार के इतिहास में पढ़े ले, ताकि भविष्य में बेटा भर के ना होके बेटी के भी मान करे के चाहिए। हमन के बेटी के मान नहीं कर ले जा, बेटा के ज़्यादा मान कर ले जा और उकर दुख भोगत पा ले जा। आज के समय में कौनो बात पड़ेला तो रीता बहनी आएला हमन के रेख देख करे, कौनो ऐसा चीज़ की आवश्यकता पड़ेला तो रीता ही पुगा आएला। बेटा के कौनो मायने नहीं बाटे हमारे जिंदगी में, कौनो मायने नहीं बाटे। कहल चला कि जिंदगी जिंदगी हमन के मोह माया से बंधल बाटे, अपने भी वे मोह माया के चक्कर में भेदभाव कई किए, बेटी के पराया और बेटा के अपन बने ले जा। दुनिया में जिए के बाटे तो सबके समान व्यवहार करल जा, ये बात की कौनो गारंटी नहीं बाटे। जे के हम इतना माया करते बाड़े वो बिहान हमके माया करे, वही से भेदभाव ना करल जा। यदि आपकी बेटी आपके साथ ना दा तब उनकर गलती नहीं बाटे, कहे सके छोटे पर उनकी ज्यादा माया नहीं करे जा। आपके दिल में पाप रहल कि हम अपन बेटा के बोर्डिंग पढ़ाए और बेटी के पराया धन समझ के सरकारी में ढकल दे जा। लेकिन वह सरकारी में पराया धन एक सच्चा धन के फर्ज नहीं है ना, लेकिन आपके जनापन धन रहल वो आपके निर्धन बना के चल गए। जिंदगी में कोनो भी परिवार के कम बेसी माया ना करल जा, समान व्यवहार करल जा और अपन बेटा के एगो दिशा दिखावल जा, ताकि आपकी बेटा भटक के शारदा के बेटा जैसन गलती कदम ना उठावा। आपके भी अपन जिंदगी में ऐसा पल गुजरत हो, आपके बेटा आपके हाथ पर ना आके आपसे दूर दूर रहा और अपन मन के मालिक बन के जिंदगी बितावा। यदि वैसन बात बाटे तो समय में सचेत हो जाए जा, कहस के ध्यान पहले आपके भी दिन शारदा के दिन जैसा आ सकेला। वही से समय से पहले बुद्धि पुगाइल और बुद्धि पुगा के काम कर बहुत जरूरी बाटे, ओकर बाद ही काम के नतीजा के सोचल जाए। आदरणीय श्रोता, ये रात्रिकालीन प्रहर में आज हमन के भारत के गोरखपुर निवासी हाल नवल प्रासी के अमानीगंज के शारदा अग्रवाल जी के प्यार के इतिहास वाचन कर लीजा। विशेष धन्यवाद वहाँ के देवल जी, आपके देवल जी कार्यक्रम सुन के साथ दे लीजा। लेकिन ये बात न भुलाल जा, दुख सबके जिंदगी में आयला, दुख के अले से पहले दुख के कारण कहा ओके पता लगावल जा और दुख कैसे हटा सकल जी ओके पता लगा के दुख के दूर करल जा और जिंदगी के एक नया दिशा दिहल जा। ये कहते हमन के आवाज आपके रेडियो शेर तक पुगा के साथ देना। हमन की प्राविधिक दोस्त सूरत छेत्री के विशेष धन्यवाद देत। हम आप सबके निरंतर के दोस्त आरजे टेक। आज के कार्यक्रम प्यार के इतिहास से विदा मांगत बाड़े। जयराम जी के नमस्ते, शुभ रात्रि। बेटा जब से आन भाईल घरे आइल मेहारी मेहारी के बुझे लागल अखियां के पुतरी मेहंदी मावर के छूटल नाही रंग हो घरे में पतोहिया मचावे लागल जंग हो बेटा करेला गुलामी मेहरी से कांप के बेटा करेला गुलामी मेहरी से कांप के जन भुलैया जन भुलैया ए भाई माय बाप के जन भुलैया ए भाई माय बाप के निहारे बगिया में हरियाली के पर खेला त्याग के हुका है नहीं माली के
बाप के दिल जब तोह से दुखाई तोहरो भी बेटा एक दिन तोह के रुआई। तहिया रहिया में चल बा मुँह ढाप के, तहिया रहिया में चल बा मुँह ढाप के, जन भुलैया जन भुलैया ए भाई माई बाप के, जन भुलैया ए भाई माई बाप के।